प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजने की अपनी परंपरा को जारी रखा है। यह चादर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को प्रधानमंत्री ने सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर होने वाले कार्यक्रम के लिए भेजी है। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए प्रधानमंत्री मोदी का प्यार पुराना है। इससे पहले भी वे 6 बार अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेज चुके हैं। पिछले साल फरवरी में भी उन्होंने चादर भेजी थी। पिछली बार भी नकवी को चादर सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने 25 फरवरी 2020 को जाकर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया था। ख्वाजा साहब की दरगाह के सजादा नशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती के साथ ही कई प्रमुख लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगी थी। चिश्ती ने तब पीएम से मुलाकात को खुशनुमा बताते हुए यह परंपरा शुरू करने के लिए उन्हें काफी धन्यवाद दिया था और तारीफ भी की थी। अब यह 7वीं बार है जब पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स के लिए एक चादर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेंट की है। कोरोना काल के दौरान राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह समेत कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया था, लेकिन फिर सितंबर में इन्हें अनलॉक नियमों के तहत खोलने की इजाजत दी गई। अजमेर शरीफ समेत अन्य जगहों में भी अभी भी कोविड के बचाव के लिए गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। जायरीनों को यहाँ पर कोविड नियमों का पूरा पालन करना पड़ता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।